प्लीज मेरे लिए एक बोतल में जेली बनाओ। ओके। क्यों नहीं? यह पहली बार मैंने यह देखा है। बढ़िया, चलो देखिए मेरे पास क्या है। कोला, जो हमें चाहिए। देखो मैं कैसे कर सकती हूँ, बस कोला पी लिया थोड़ा सा। सही में ये अच्छा है ना, मुझे कोला बहुत पसंद है। कूल। ओ, ओ, अरे अब क्या होने वाला है? ओ नहीं नहीं नहीं, ओ, 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 मुझे बचाओ। मुझे खेद है, मुझे खुद भी इसकी उम्मीद नहीं थी। अब स्किटल्स डालने का समय है, मुझे लगता है कि बच्चा वास्तव में इसे पसंद करेगी। वाह, मेरे पास अभी भी मैपल सिरप है, मैं इसे भी इसमें डालूंगी। और मीठा बेहतर। अब हम ढक्कन बंद कर देते हैं और बोतल को हिलाते हैं। हाँ, और उफ, यह ढक्कन जस्ट अटक गया है सिरप की वजह से। आ मदद करो, उफ खुल जाओ। ओ नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है, पर लेकिन ये अभी भी चिपका हुआ। अरे नहीं, ये ठीक है, मेरा हाथ आजाद हो गया। ओह बेचारा मैनिक्योर। कुछ नहीं, मुख्य बात बच्चे को खिलाना है। मैं फ्रिजिंग स्प्रे के साथ कोला से जेली बनाऊंगी, चलो देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही। ओह दादी क्या तुम सो गई? हम एक चुनौती में हैं। देखो मैं क्या अच्छा आइडिया लेकर आई हूँ। मेरी राय में यह बहुत ज्यादा है। जैम या शहद लेना आसान है, मैं शहद लूंगी। बेबी मैं पहले से ही तुम्हारे पास आ रही हूँ, चलो। ओह मैं इस प्यारी को फ्रीज कर दूंगी और बस। केवल शहद? चलो देखो मैं क्या करती हूँ, मैं कोला लेती हूँ और देखो मैं क्या करती हूँ। शेफ भी ट्रिक्स करना जानता है। और मैं एक फ्राइंग पैन में कोला डालूंगी और गमी बेयर भी इसमें डालूंगी। और जेली बनाने के लिए हमें इसमें जेलेटिन चाहिए, सौभाग्य से मेरे पास हमेशा रहता है। अब इसे केवल मिक्स करने और बोतल में वापस डालना बाकी है। इस तरह से बहुत ही आसान हो जाएगा। जेली लगभग तैयार है। हाँ ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ओके। हाँ वाह, देखो बोतल में ये कितनी अच्छी तरह से जा रहा है। बोतल भर गई और ये लगभग तैयार है। बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ। अब बस इसे जमाना है। हाँ चलो देखो, इस तरह से मैं इसे जमाती हूँ। सुपर फ्रीज। बस एक सेकंड और यह तैयार है, एकदम फ्रेश, आसान और धन्यवाद। चलो आप ट्राई करो। ओह ठीक है, मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। यह अभी तैयार। ओह मेरी हथेलियाँ जम रही हैं। ओह नहीं, यह कितना ठंडा है, क्या करूँ? मैं अपने हाथों को महसूस ही नहीं कर पा रही हूँ। अभी हवा देती हूँ, शायद वे गर्म हो जाए। ओह यह काम किया, भगवान का शुक्र है। दादी ठीक है, बेबी जेली ले लो। वाह एक ही बार में तीन, पता नहीं कहाँ से शुरू करूँ। ओह कितना प्यारा है, यह तो है। मैं इसे पहले ट्राई करूंगी। ओह थोड़ा हनी। वाह मुझे लगता है ये बहुत स्वादिष्ट होगा। वाह जमा हुआ शहद, ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। वाह मेरा फेवरेट कोला, अंदर क्या है? दिलचस्प, मैं इसे खुशी के साथ ट्राई करूंगी। ओह जेली मुश्किल से निकल रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है। चलो मुझे ये बहुत पसंद है, ये बहुत स्वादिष्ट है। हाँ धन्यवाद शेफ। और क्या बचा है? ओह मेरी बहन की जेली। वाह मैं इसमें कैंडी देख रही हूँ। चलो अब इसे ट्राई करती हूँ। वाह यह कितना खूबसूरत है। वाह सुपर, यह सबसे अच्छी जेली है जिसे मैंने कभी खाया है। और निश्चित रूप से बहन जीत रही है। धन्यवाद बहन। ऐसा कैसे? शाबाश मेरी बच्ची। अगला डिश वॉफल है। बढ़िया ऑप्शन है। क्या समझ गई, मैं उन्हें बनाना नहीं जानती। खैर ठीक है, वॉफल के लिए डो बनाने के लिए आटा, अंडे और बटर लेना होगा। और अब मैं चीनी और इसमें दूध मिला देती हूँ। हाँ यह बढ़िया है। मेरा विस्क कहाँ है? हाँ यहाँ है। अब दादी दिखाएगी अपना कमाल। मैं इसे तेजी से मिक्स करती हूँ, मुझसे आगे निकलने का कोई मौका किसी को नहीं मिलेगा। वाह
ठीक है दादी, क्या आपने देखा है कि मैं कैसे कर सकती हूँ? हाँ, अब यह देखिए, क्या मिक्सर से मिलाना आसान नहीं है? अपनी ताकत को बचाना और कल्पना दिखाना बेहतर है। मेरे पास पहले से ही एक अच्छा आइडिया है, मुझे लगता है कि बच्चा इसे पसंद करेगा। मैं इसके लिए रंगीन वॉफल बनाऊंगी, वह डो लाल हो जाएगा और यह पीला, हरा और नीला हो जाएगा। हाँ खैर, तुम लोग कुछ भी करो, मैं तो इसमें न्यूटेला डालने वाली हूँ और जीत मेरी होगी। दादी और शेफ डिशेस के बारे में कुछ भी नहीं समझते हैं। चॉकलेट पेस्ट सभी को पसंद होता है। चलो वॉफल मेकर को खोलो और इसमें बैटर डाल दो और यह तैयार है। एकदम आसान था। ओह, बहुत गर्म लेकिन बहुत आसान। और लगता है स्वादिष्ट भी है। चलो इसे खा कर देखते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल सही थी, यह बहुत अच्छा है। हाँ, मैं रुक नहीं सकती। ओह, पर यह तुम्हारे लिए नहीं है। ओह हाँ, मुझे पता है, चलो मैं दूसरा बना लेती हूँ। अच्छा ठीक है, फिर से मत खा जाना। अच्छा है कि दादी के पास सब कुछ कंट्रोल में है। कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, जीत मेरी होगी। कर लो बात, मेरा वफल बहुत सुंदर है। तुम्हें यह कैसा लग रहा है? तुम दादी को हरा नहीं सकती। चलो फाइट करते हैं। ओह, यह वफल तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मैं रुक नहीं सकती मेरी बहन। मुझे माफ कर दो लेकिन मैं ये पूरा खा जाऊंगी। क्या हम वास्तव में एक चुनौती में हैं? तो क्या हुआ? मैं फिर से बना लूंगी। क्या? ओह, क्या मैंने सब बना लिया? अरे नहीं, सब खत्म हो गया, मैं क्या करूँ? मेरे पास एक आइडिया है, मेरे बैकपैक में जरूर कुछ होगा। यह तीखे नूडल्स का एक पैकेट, मैं इसे एक वॉफल बनाऊंगी। बस इसे उबलते पानी में डालना है और थोड़ा इंतजार करना होगा। नूडल्स तैयार है, बाकी काम वॉफल करेगा। तब तो मैं एक्स्ट्रा खत्म करती हूँ, ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चलो, इसे खोला, इसमें नूडल्स डाला और बंद कर दिया। और तब तक मैं इसे और खा लेती हूँ। ओह, कितनी भूखर है, मेरा आइडियल वॉफल तैयार है। ये बहुत अच्छा बनना है, मैं इसे दो भागों में काट दूंगी, रेनबो की तरह लगेगा। और मैं क्रीम से बादल बनाऊंगी। वाह, मैं उन्हें स्प्रिंकल से सजाऊंगी। यह जीतने के रास्ते पर है। यह वास्तव में बहुत सुंदर बना है। दादी की सफलता का अपना रहस्य है, बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी और पाउडर। बच्चा निश्चित रूप से इसे पसंद करेगा, मुझे यकीन है। वाह, जरा इसे देखो, कितना सुंदर है। दिलचस्प, दादी बहुत अच्छी है, पर मुझे भी अपना बेस्ट देना होगा। ऐसे वफल के साथ क्या होगा, मैं इसे चीज स्प्रिंकल के साथ छिड़कूंगी। शायद मैंने बहुत ज्यादा डाल दिया। क्या सब ठीक तो है ना? तुम पूरी गंदी हो गई है, तुम्हें सावधान रहना होगा। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। देखो, मेरा चेहरा साफ हो गया और मैं अपने हाथ चाटूंगी। हाँ, ये कितना स्वादिष्ट पाउडर है। उफ, क्या तुम्हें चाहिए? नहीं, हम ठीक है। उफ, शिष्टाचार नाम की कोई चीज नहीं है। ओह, यहाँ बहुत सारी चीज है, पर यह क्या है? मैं इसे ट्राई करती हूँ पहले, बिल्कुल अलग सा है। ओह, अरे बाप रे, ये तो भयानक है, मैं इसे नहीं खाऊंगी। क्या? उफ, वाह, रेनबो वफल, स्वादिष्ट और ये बहुत खूबसूरत भी है। कूल, मुझे ये पसंद है। यह बहुत स्वादिष्ट है, अद्भुत, धन्यवाद। वाओ, आइसक्रीम वफल, सही कॉम्बिनेशन है। हाँ, और स्ट्रॉबेरी, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। ओ भगवान, यह कितना स्वादिष्ट है। इसके स्वाद के तो कहने ही क्या। ओ, मुझे और चाहिए। दादी, आप जीत गई। एकदम सही, ये मारा है। खैर कोई बात नहीं, कैंडी को ऐसे बॉक्स की आवश्यकता क्यों होगी? वो अपनी कार के साथ क्या करने जा रही है?
यह बहुत आसान है। मैं अपनी प्यारी कार को सच्ची में कुछ कूल में बदलना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि अब हर कोई बारबी डॉल की तरह गुलाबी रंग का फैन है, तो क्यों नहीं अपनी गाड़ी को फिर से रंगूं? साथ ही मैं इसे बहुत ही नरम और ज्यादा आरामदायक भी बना दूंगी। बढ़िया हो गया, और अब पहियों और हेडलाइट्स की देखभाल करने का समय है। साधारण डिस्क बहुत बोरिंग है, जब ये गुलाबी हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा सुंदर होगा। देखो कितना अच्छा है ना। yes! और हेडलाइट्स, उसके लिए मेरे पास एक और आइडिया है। सच्ची में हेडलाइट्स कार की आंखें हैं, तो मैं उन्हें लंबी पलकों से क्यों नहीं सजाती। मेरी राय में एक शानदार आइडिया है। पीट, अब तुम्हारी गाड़ी मेरी तुलना में कुछ भी नहीं है। ओह, तो ऐसा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं भी अपनी गाड़ी को सजा सकता हूँ। मुझे केवल आवश्यक चीजों को ऑर्डर करना होगा। ओह, कितनी जल्दी सब कुछ लाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं पहले से ही अपनी गाड़ी को अपग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता हूँ। पहले मुझे काले रंग की कैन चाहिए। मैं इसके साथ अपनी कार की पूरी सरफेस को कवर करूँगा। ओह वाह, देखो वह तुरंत कितनी सुंदर हो गई। उसके बाद डिस्क पर पैड का उपयोग करके उन्हें काला बनाने के लिए भी करता हूँ। सच्ची में यह मस्त है। लेकिन यह सब नहीं है, मुझे कार पर डेकोरेशन को चिपकाने की भी जरूरत है। उदाहरण के लिए गोल्डन स्पाइक्स बहुत अच्छे लगेंगे, बस पहियों पर स्कल की तरह। हाँ, वाव, पीट, तुमने अपनी कार का क्या किया? मैंने इसे अपग्रेड किया है। क्या तुम्हें जलन हो रही है? क्या तुम मेरे साथ सवारी करना चाहती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार मानूंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सटीरियर काफी नहीं था, तो हमें अंदर से निपटने की जरूरत है। पहली चीज, मुझे स्टीयरिंग व्हील को सजाने की जरूरत है। यह न केवल ज्यादा सुंदर होगा बल्कि बहुत ज्यादा सुविधाजनक भी होगा। अब मुझे सीटों को गुलाबी फर से ढकना होगा। चलो चलती हूँ। देखो यह कितना महंगा लग रहा है। और मिरन के नीचे एक खिलौना, कुछ और गुलाबी। हाँ, इधर अंदर से भी। मेरी कार अब अंदर से भी ग्लैमरस लग रही है। आखिरी टच एक चमकदार रिबन है, वो एक बार फिर आपको बताएगी कि मुझे कौन सा रंग सबसे ज्यादा पसंद है। ऐसा लगता है कि कैंडी ने कार के इंटीरियर को सजाया है। मैं भी नहीं रुक सकता। ठीक है, मेरे पास कुछ चीजें हैं, मुझे लगता है कि वे मेरी गाड़ी को सजाने के लिए काफी हैं। चलो उस चेन से शुरू करें जिसे मैं स्टीयरिंग व्हील के चारों ओर लपेटूंगा। जरा देखो यह कितना कूल हो गया है। लेकिन यह इतना ही नहीं है, अगली चाल गियर शिफ्ट लेवर पर स्कल होगी। स्कल हर जगह है, ऐसा ही होना चाहिए। उन्हें आईने के नीचे भी लटकाया जा सकता है। देखो कि यह कितना क्रूर और कूल दिखता है। लेकिन स्कल वहाँ खत्म नहीं होती है, स्टीयरिंग व्हील पर एक क्यों नहीं। अब मैं सभी गुजरने वाले ड्राइवरों के सामने कितना मस्त दिखूंगा। मैं कितना होशियार हूँ। क्या पीट ने भी इंटीरियर को सजाया है? मैं बेवकूफ और डरावनी खोपड़ी फिर से। ठीक है, मेरी कार अभी भी ज्यादा सुंदर है। यह मनोरंजन के बारे में सोचने का समय है। जब तक कार खड़ी है, इसके आसपास का जगह योगा हॉल में बदल सकता है। मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। एक मैच, पानी और यहाँ तक कि एक मॉनिटर जिस पर मैं क्लास देखूंगी। खैर, चलो शुरू हो जाओ। ओके। ओह, सुनो कैंडी, हम भी योग करना चाहते हैं। क्या मैं कर सकती हूँ? बेशक, यह एक साथ ज्यादा मजेदार होगा। यह स्वादिष्ट। रुको, लड़कियाँ वहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ बर्गर खा रहा हूँ और उन्होंने कुछ किलो वजन कम करने का फैसला किया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं भी अपनी कार से एक असली जिम बनाऊंगा। मेरे पास उपयुक्त टूल्स का एक पूरा बॉक्स है। डंबल के बिना जिम क्या होता है? और अगर उनमें से काफी नहीं है तो एक कैटलबेल है। देखो, ओह, वैसे यह बहुत भारी है। ओह नहीं, मेरे पास काफी डंबल है। लड़कियों को मस्कुलर लोग पसंद है, मुझे कसरत करने की जरूरत है। अरे पीट, अगर हम तुम्हारे साथ यहाँ कसरत करते हैं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? बिल्कुल नहीं, चलो एक साथ करते हैं। अच्छा,
ओह, ऐसा लगता है कि पास में हैंडसम लड़के हैं। शायद हमें उनसे मिलना चाहिए। तुम कहाँ जा रही हो? मेरे बारे में क्या? मैंने नहीं सोचा था कि मेरी सभी दोस्त मुझसे इतनी जल्दी धोखा दे देंगी। चलो थोड़ा और, मैंने तुम्हें लगभग हरा दिया है। हाँ हाँ, और या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा की तरह बैटरी सबसे खराब समय में खत्म हो गई। लेकिन मुझे पता है कि एक फोन को किसके साथ बदलना है। मैं अपनी गाड़ी के डिक्की में गेमिंग क्लब क्यों नहीं बनाता? एक बड़ी टीवी यहाँ पूरी तरह से फिट होगा, जिस पर मैं खेलूंगा। हाँ बस यहाँ इसे रख दिया और इसके बाद कंसोल और जॉयस्टिक का उपयोग किया जाएगा। लेकिन मुझे कहीं बैठने की भी जरूरत होगी। यहाँ ये बीन बैग्स कुर्सियाँ की तरह फिट होंगी। हाँ, ये यहाँ अच्छे रहेंगे। मैंने एक जॉयस्टिक लिया और एक कुर्सी पर बैठ गया, खेल चालू कर दिया। यही असली स्वर्ग है। वाओ पीट, तुम एक जीनियस हो। मेरे साथ बैठो, हम एक साथ खेलेंगे। हाँ आ जाओ। वहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? पीट ने एक गेम जोन बनाया। ओ, मैं फिर से अकेली हूँ। हालांकि मुझे पता है कि मुझे हर किसी को कैसे लुभाना है। जल्दी वे खुद इन खिलौनों से थक जाएंगे और वे निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहेंगे। तो मैं उनके लिए एक कॉन्सर्ट वेन्यू का आयोजन क्यों नहीं करती? मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए, यहाँ तक कि एक डिस्को बॉल भी है। जरा देखो ये कितने सुंदर है। वाह अद्भुत, पार्टी शुरू हो गई है। ये डांस का समय है। वाओ कैंडी, ये का असली डिस्को है। ये डांस करने का समय है। हाँ। ओ, सभी ने मुझे छोड़ दिया। ओ, मुझे पीट के लिए दुख हो रहा है। सुनो पीट, हमारे साथ डांस करने आओ, ये बहुत मजेदार है। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। देखो मेरे पास विशेष रूप से तुम्हारे लिए गुलाबी जॉयस्टिक है। क्या हम एक साथ खेले? हाँ चलो साथ में खेलते हैं। ये बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। पीट, मुझे पता चल गया कि तुम बहुत प्यारे हो। कैंडी तुम भी। मुझे खुशी कि हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाए। हाँ ऐसा लगता है कि टीचर नहीं देख रही है। ये मेरे सीक्रेट जगह खोलने का समय है। वाह गमी आंखें, वाह कूल। हाँ और वे कितने स्वादिष्ट है। एक बोरिंग क्लास के दौरान मुझे यही चाहिए। कितना मजेदार है। तुमने इसके बारे में कैसे सोचा? मैं अभी बताती हूँ। मैं अपना होमवर्क कभी खाली पेट नहीं करती। और फिर एक आइडिया आया। यह सिर्फ शानदार है। मैं गमी यहाँ रखूंगी, कोई नोटिस नहीं करेगा। बढ़िया आइडिया। ब्रावो वेंसडे, अब सरप्राइज करने की मेरी बारी है। क्या ये एक पेंसिल केस है? और इसके बारे में क्या? हाँ यहाँ चिप्स है। बढ़िया स्वाद। मैं कितनी अच्छी हूँ। ज्योग्राफी सच्ची में थका देने वाला है, यदि आसपास में कुछ खाने के लिए ना हो। हाँ वे इतने समान है। मैं चिप्स को पेंसिल केस में रखूंगी और उन्हें क्लास में ले जाऊंगी। यह बहुत मजेदार है। बोन एपिटीट। बढ़िया। क्या बात है, मैंने क्रंच सुना। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है और अब यहाँ देखो, ऐसा लगता है ये काम किया। हाई फाइव। ओ कितना बढ़िया। खैर लड़कियों, यह ड्रॉ करने का समय है। आराम। ओह अरे क्या वो एक स्कल है? वाओ। ओह मैं कैसे भूल गई, मेरे पास एक सीक्रेट है। अरे वेंसडे, क्या तुम्हें लगता है कि यह स्वादिष्ट है? मैं इसे अभी देखूंगी। कितनी मीठी, बहुत स्वादिष्ट। बढ़िया। ओह क्या तुम पेंट खा रही हो? मैं अब तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। मैं एक बार सिरप खा रही थी।
वाह, यह अविश्वसनीय था। अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। Awesome. मैं ड्राइंग कर रही थी और ट्यूब को कंफ्यूज कर गई। यह असली रंग था। ओह नहीं, कितना भयानक। मेरे हाथ में क्या है? एक्रिलिक? उफ, मैं ये गलती कैसे कर सकती हूँ? खैर, यह बुरा है। वाह, क्या होगा अगर मैं सिरप को एक सिरिंज में डालती हूँ और इसे पेंट के बजाय एक खाली ट्यूब में डालती हूँ? यह शानदार होगा। तो कोई भी मुझ पर निश्चित रूप से संदेह नहीं करेगा। मैं क्लास में एक और ट्यूब्स लाऊंगी। यह वाला है। बढ़िया। हाँ, अब मैं समझ गई हूँ। बढ़िया आइडिया। देखो मेरे पास क्या है। पेंट पैलेट। और यहाँ यह नहीं है, यह ओरियो है। कुकीज का हमेशा स्वागत है। तुम्हें यह कैसा लगा? वाह, यह सिर्फ अविश्वसनीय है। सुनो, मैं ड्राइंग कर रही थी जब अचानक एक स्केटबोर्ड पर हिंग ट्रिक्स कर रहा था और मेरे ओरियो पिरामिड को तोड़ दिया। मैं गुस्से में थी, लेकिन फिर मैंने देखा कि कुकीज पूरी तरह से पैलेट में फिट होते हैं। बिंगो। और फिर मैंने निश्चय किया कि पेंट को हटाकर उसकी जगह कुकीज को वहाँ पर डाल दूंगी और इसे क्लास में ले जा सकती हूँ। समय हो गया है, अपने चित्र दिखाओ। तुम्हारे शीट्स खाली क्यों हैं? ओह, हम भूल गए, हमें ड्रॉ करना है। कुछ भी काम नहीं कर रहा है, क्या करें? मैं सिरप को निचोड़ लूंगी। ओह, यह नहीं हो रहा है। यहाँ क्या चल रहा है? अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। तो लड़कियों, चलो यहाँ आओ। तो कुकीज, सिरप, क्या तुम इसे फिर से खा रहे हो? खैर, यह नहीं चलेगा। ओह, उसने हमें पकड़ लिया है। 16 + 4 कितना होता है? हम अभी सॉल्व करेंगे। मैं गिनती नहीं करूंगी। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। वेंसडे, तुम्हें मेरा कैलकुलेटर कैसा लगा? बहुत रंगीन। क्या तुम्हें पता है कि बटन यह काम नहीं करते? यह बेकार नहीं है, तुम उन्हें खा सकती हो। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। बढ़िया है, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहती हो? बटन नहीं, धन्यवाद। ओह, तुम नहीं समझ रही हो। एक बार मैंने कैलकुलेटर गिरा दिया था और सभी बटन इससे बाहर गिर गए। मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही थी और स्किटल्स खा रही थी, लेकिन गलती से मैंने कैंडी के बजाय एक बटन खा लिया। इसने मुझे चोट पहुंचाई, लेकिन मुझे तुरंत पता चला कि मेरी गलती का उपयोग कैसे किया जाए। बटन के बजाय स्किटल्स डाले। काराम, तुम्हें क्या लगता है? यह है ना अच्छा? कूल। मेरे पास भी कुछ है। बढ़िया। क्या तुमने इरेजर को खा लिया? कल मैं मार्शमेलो खा रही थी और अपनी डायरी को पढ़ रही थी। कल्पना करो, किसी ने वहाँ दिल ड्रॉ किया था। I love you. मैंने इस भयानक चीज को मिटाने के लिए एक इरेजर लिया, लेकिन यह मार्शमेलो था। मुझे समझ आ गया। इरेजर के बजाय मार्शमेलो परफेक्ट रिप्लेसमेंट है। बस लेबल को हटाने और इसे यहाँ चिपकाने की जरूरत है। इस तरह से बस यह हो गया। बढ़िया आइडिया। 20 के बराबर है। तुम क्या चबा रहे हो? क्या चल रहा है? ओ, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अजीब। चलो जारी रखें। लगता है उसने नोटिस नहीं किया। हाँ,